शाहजहाँपुर आरटीओ ऑफिस में छापा पड़ने के बाद आखिरकार एआरटीओ की नींद खुली ही गई। इसी को लेकर शाहजहाँपुर आरटीओ मनोज वर्मा ने थाना रामचंद्र मिशन अंतर्गत हरदोई बाईपास पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर 3 बसों को सीज कर दिया, साथ ही एक बस का चालान किया। दरअसल शाहजहाँपुर आरटीओ विभाग द्वारा वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व खुद एआरटीओ मनोज वर्मा ने किया, जिसके चलते कई बसें जो कि सीतापुर लखीमपुर से दिल्ली जाती हुई पाई गई, मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर 3 बसों को सीज कर दिया गया, तो वहीं एक बस का चालान काटा गया। चेकिंग के दौरान ज्यादातर वाहनों पर ओवर सवारियां भी पाई गई। फिलहाल एआरटीओ की इस कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जनपद शाहजहाँपुर में जो इस पूरे प्रदेश में डरदमर वाहनों की कार्रवाई चल रही है, उसके तहत निरंतर यहाँ शाहजहाँपुर में कार्रवाई की जा रही है। कल हम लोगों ने 3 वाहनों का चालान, 3 वाहन बंद की और 1 वाहन का चालान किया गया है। ये सीतापुर लखीमपुर खीरी हरदोई वहाँ से डेस्टिनेशन पॉइंट से दिल्ली और पानीपत के लिए जा रही है। हालांकि इसके विरुद्ध लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि डरदमर वाहन को पूर्णतः नियंत्रित की जाए। इसमें हम लोग पुलिस से भी सहयोग ले रहे हैं और इससे भी कल्याण विभाग की तरफ से कार्रवाई नियंत्रित की जाए। इसमें राजस्व की समथिंग कितनी हानि होती होगी? राजस्व का हानि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ियाँ या टैक्स पेड हैं और इनका परमिट नेशनल परमिट से कॉन्ट्रैक्ट पैरिस कवर होती है। ये परमिट शर्तों के उल्लंघन में इनका चालान किया जाता है और ओवरलोड जो सवारी किए जाते हैं उनमें चालान किया जाता है। टैक्स का कोई हान नहीं है। टैक्स का हान तब होता है जब ये परमिट कवर नहीं।